Hello students, welcome to Dayavati Modi Public School. This is your class 1 GK class and today we are going to learn lesson 24 outdoor games. So students, let's begin our lesson for today. The games that we play in an open ground are called outdoor games. वो सभी गेम्स जो हम घर के बाहर खेलते हैं या फिर ग्राउंड में खेलते हैं उन सभी गेम्स को आउटडोर गेम्स कहते हैं। Now let's identify the games given below. Okay student, let's see the first picture here. We see in this picture one player is having a bat in his hand and the other player is bowling. हमें इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है, दो प्लेयर्स हैं, दोनों अलग अलग टीम के प्लेयर्स हैं एंड वन इज़ हैविंग अ बैट इन हिज हैंड एंड अदर इज़ हैविंग अ बॉल इन हिज हैंड। एक बॉलिंग कर रहा है, एक बैटिंग कर रहा है और इन दिस गेम बैट्समैन हिट द बॉल एंड रन टू टेक द रन्स। और हमें पिक्चर में एक आदमी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है जो ब्लैक एंड वाइट ड्रेस में है और उसने एक हैट पहनी है, वो है हमारा अंपायर। ये कौन सा गेम है जल्दी से बताइए। यस, दिस इज़ क्रिकेट। क्रिकेट कितना फेमस गेम है ना, इंडिया में कितना चलता है ये गेम। क्रिकेट में आपके बहुत सारे फेमस प्लेयर्स हैं जो आपके फेवरेट होंगे, जैसे MS धोनी और विराट कोहली। क्रिकेट को हम नॉर्मल लैंग्वेज में बैट बॉल भी बोलते हैं। तो वी विल राइट इन द फर्स्ट वन क्रिकेट। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द सेकंड पिक्चर। वी सी इन द सेकंड पिक्चर टू मेन आर वेयरिंग टू डिफरेंट कलर्ड टी शर्ट एंड शॉर्ट्स एंड दे आर प्लेइंग बाय हिटिंग अ बॉल विद देयर फुट। मतलब ये दोनों अलग टीम के प्लेयर्स हैं और ये बॉल को अपने पैड से मारकर खेल रहे हैं। तो बताइए ये कौन सा गेम है। यस, दिस इज फुटबॉल। क्योंकि इस गेम में हम अपने फुट से बॉल को मारकर खेलते हैं इसलिए इसे फुटबॉल कहते हैं। ओ, वी विल राइट इन द सेकेंड वन फुटबॉल। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द थर्ड पिक्चर। We see a game which looks like cricket game, but it is not the same. This game is also a bat ball game, जिसमें 9-9 players होते हैं दोनों teams में। इस game में batsman यानी hitter ball को hit करता है और फिर भागना शुरू कर देता है। Run करके वो चार corners पर भागता है जिससे उसे points मिलते हैं, यानी रन्स मिलते हैं। तो विच गेम इज दिस। यस, दिस इज बेसबॉल। तो वी विल राइट इन द थर्ड वन बेसबॉल। नाउ कम टू द फोर्थ पिक्चर। वी सी इन दिस पिक्चर टू मैन आर रनिंग एंड दे आर होल्डिंग अ स्टिक जो एक तरफ से मुड़ी हुई है, यानी हुक शेप की है, और वो एक बॉल को उससे मार मार कर गोल तक लेकर जाते हैं। इस गेम में दोनों टीम्स में 11-11 प्लेयर्स होते हैं। सो टेल मी विच गेम इज दिस। यस, दिस गेम इज हॉकी। ओ, वी विल राइट इन द फोर्थ वन हॉकी। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द फिफ्थ पिक्चर। वी सी अ प्लेयर थ्रोइंग द बॉल इनसाइड द बास्केट। इन दिस गेम देयर आर 5-5 प्लेयर्स इन ईच टीम। इस गेम में दोनों टीम्स में 5-5 प्लेयर्स होते हैं और टाइम ख़त्म होने से पहले जो टीम ज़्यादा बार बॉल को अपने अपोनेंट्स की बास्केट में डाल पाती है वो टीम जीत जाती है। सो विच गेम इज दिस। यस, दिस इज बास्केटबॉल। सो वी विल राइट इन द फिफ्थ वन बास्केटबॉल। Now let's see the sixth picture. We see a man is hitting a little ball with a stick
and he is playing this game in a big ground. So, इस गेम का ग्राउंड बहुत ही बड़ा होता है और इसमें एक छोटी सी बॉल होती है जिसे एक स्टिक से हिट करके हम बॉल को एक होल में डालते हैं और उसमें जाने से हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं. सो विच गेम इज दिस? यस, दिस इज गोल्फ. हम इसमें गोल्फ स्टिक से गोल्फ बॉल को करके होल में डालते हैं. नाउ वी विल रीड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट गिवन हियर. हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया. इसका मतलब है हॉकी हमारा इंडिया का नेशनल गेम है, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस क्लास अबाउट आउटडोर गेम्स. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.